हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम अपने चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट में बेसिकली हम सीइंग टूल्स एंड मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने सीइंग मशीन के पार्ट्स पढ़े कि कौन सा पार्ट क्या काम आता है, लेकिन अब हमें सीइंग करने के लिए भी तो कुछ टूल्स एंड मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि फैब्रिक्स, नीडल्स, थ्रेड्स। हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नीडल्स भी काफी टाइप्स की आती है मार्केट में, तो आपको अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग नीडल चूज करनी होती है। तो वो हम अभी पढ़ेंगे कि हमें किस टाइप के मटेरियल चाहिए सीइंग करने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज नीडल्स। मशीन नीडल्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैब्रिक एज वेल एज द थ्रेड टाइप बींग यूज फॉर गार्मेंट कंस्ट्रक्शन। नीडल आप ऐसे ही कोई भी नहीं उठा सकते हैं। मशीन नीडल हमेशा उसकी वेट, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग चूज करी जाती है, एज वेल एज आप किस टाइप का थ्रेड यूज करने वाले हैं एंड किस टाइप का फैब्रिक यूज करने वाले हैं, उस पे भी नीडल का चॉइस डिपेंड करता है। जनरली अ नीडल शुड बी फाइन इनफ टू पेनिट्रेट द फैब्रिक विदाउट डैमेजिंग इट एंड गेट हैव एन आई विच इज बिग इनफ सो दैट द थ्रेड डज नॉट फ्रे और ब्रेक। मीन्स जो नीडल की आई होती है, मीन्स जहां से हम लोग थ्रेड को इंसर्ट करते हैं, थ्रेड पास होता है, उसको नीडल की आई बोला जाता है। तो नीडल की आई इतनी होनी चाहिए कि वो आपके थ्रेड को अच्छे से होल्ड कर सके, ऐसा ना हो कि थ्रेड बार बार ब्रेक हो रहा है। एक नीडल इतनी फाइन होनी चाहिए कि वो आपके फैब्रिक में आराम से पेनिट्रेट कर जाए, मीन्स आराम से इंसर्ट हो जाए एंड उसको डैमेज भी ना करे। नीडल कम इन वेरियस साइजेस फ्रॉम फाइन that is size 7 for lightweight fabrics to thick size 18 for very heavyweight and dense fabric. जैसे कि velvet होता है, leather होता है, तो इस type के dense fabric के लिए जो काफी thick होते हैं उनके लिए हमको heavy means bigger number की needle चाहिए होती है, लेकिन जो fabric lightweight होते हैं उनके लिए हमको एक fine needle चाहिए होती है जो बहुत ही पतली होती है, ज्यादा thick नहीं होती है, एकदम पतली होती है। सो नीडल्स आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टिप्स और पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जहां से थ्रेड इंसर्ट होती है उसको हम लोग नीडल की आई बोलते हैं, लेकिन जहां से नीडल फैब्रिक को पेनिट्रेट करती है उसको टिप बोला जाता है। मीन्स जहां से शार्प होती है नीडल उसको उसकी टिप बोला जाता है, नीडल की टिप होती है वो। रेगुलर शार्प नीडल, दिस इज आइडल फॉर मोस्टली ऑल द वोवन फैब्रिक्स। जितने भी कॉटन फैब्रिक्स होते हैं या और भी वोवन फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए ये रेगुलर शार्प नीडल इज द बेस्ट, बिकॉज ये आराम से पेनिट्रेट कर जाती है और ये पकरिंग भी नहीं करती है। बॉल पॉइंट नीडल, द स्लाइटली राउंडेड टिप इज रिकमेंडेड फॉर ऑल नीट एंड लाइक्रा। अच्छा, आप रेगुलर शार्प पॉइंट एक वूल फैब्रिक के लिए नहीं यूज कर सकते या निटेड फैब्रिक के लिए नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो फैब्रिक को डैमेज कर सकती है। जो निटेड फैब्रिक होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, उसके लिए बॉल पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बॉल पॉइंट नीडल हमें चाहिए होती है, जिसकी टिप जो है वो शार्प नहीं होती है, बट थोड़ी सी बॉल पॉइंट पेन की तरह राउंडेड होती है। सो दीज आर अवेलेबल इन साइजेस 7 to 16, वेयर द पॉइंट इज राउंडेड in proportion to the needle size, points of larger size being more rounded than the finer ones. Means agar needle zyada bade size ki hogi, means 15 hogi ya 14 hogi, to uski thickness utni hi zyada hogi, utna hi rounded hoga. Okay, so the third one is wedge point needle. This needle is specially designed for leather and vinyl leather jaise fabric ke liye specially design hoti hai. इसका आप टिप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं है और एकदम राउंडेड भी नहीं है। सो ये क्या करती है, ये आराम से लेदर फैब्रिक में इंसर्ट हो जाती है विदाउट डैमेजिंग इट, बिकॉज लेदर में अगर आप कोई नीडल इंसर्ट करते हैं तो वो एक होल बना देती है वहां पे, मीन्स एक बिगर होल क्रिएट कर देती है जो कि बाद में स्टिचिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इट इजली पियर्सेस टू द फैब्रिक दैट क्लोजेस बैक अपॉन इटसेल्फ, दिस अवॉइड्स अनअट्रैक्टिव होल्स इन द गार्मेंट। So this is available in sizes 11 to 18. Size 11 is used for soft and supple leather, while the bigger sizes are used for multiple layers of leather. Needles should be carefully chosen for different fabrics. अभी तो हमने बात करी कि 3 types की होती हैं. So it should be chosen according to the fabric.
If a needle is of wrong size, the machine stitch formation is affected. If it is too fine, the thread might fray. Means अगर आपका fabric जो है वो thick है, लेकिन आपकी needle जो है वो बहुत fine है, तो आपका जो thread है वो fray हो जाएगा, टूट जाएगा. If it is too coarse, it may damage the fabric. लेकिन अगर कुछ ज़्यादा coarse होगी, तो वो fabric को ही damage कर सकती है, and the stitches look imbalanced. Care should also be taken to ensure that the needle is neither damaged nor dirty. A needle that has a burr point eye or the groove may cause the thread to break. Means agar aapki needle rusted hogi to bhi wo fabric ko damage kar sakti hai. To sewing karne se pehle aap please make sure ki aapki jo needle hai wo kisi bhi tarah se dirty na ho, rusted na ho, taki aapka fabric damage na ho. A blunt or bent needle means आपकी needle straight भी होनी चाहिए. अगर थोड़ी सी भी bent है तो आपके fabric को खराब कर सकती है, even आपकी machine को भी damage कर सकती है. A blunt or bent needle can cause a thumping noise in the sewing machine as it penetrates the fabric and may also result in pulling the fabric. आपका fabric बिल्कुल अटक जाएगा sewing machine में और in skipped stitches in the seam lines. ओके अब तो हो गई नीडल की बात, जिसमें कि हमने थ्री टाइप की नीडल्स पढ़ी. अब हम थ्रेड्स की बात करेंगे. थ्रेड इज आल्सो एन एसेंशियल टूल फॉर सीविंग, क्योंकि जब आप सीविंग कर रहे हैं तो थ्रेड तो चाहिए ना. किससे आप फैब्रिक को अटैच करेंगे, थ्रेड्स ही लगते हैं उसके लिए. विद द वाइड एंड एवर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द करेक्ट सीविंग थ्रेड फॉर वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक. आप किसी भी फैब्रिक के साथ कोई भी थ्रेड नहीं यूज कर सकते हैं. कलर चॉइस का भी एक तरीका होता है, थ्रेड चॉइस का भी एक तरीका होता है. जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि फाइबर्स, डिफरेंट फाइबर्स से बनके डिफरेंट थ्रेड्स आती हैं, जैसे कि नेचुरल थ्रेड्स भी आती हैं, सिंथेटिक थ्रेड्स भी आती हैं. द राइट काइंड ऑफ थ्रेड इज इम्पॉर्टेंट इन सीविंग एज बोथ द थ्रेड एंड द गारमेंट शुड बी कंपैटिबल, क्योंकि सीविंग के बाद नीडल नहीं रहती है लेकिन स्टिच गारमेंट में थ्रेड रहती है, तो वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ धोया भी जाएगा, एक दूसरे के साथ आयरन भी किया जाएगा. दे शुड श्रिंक टुगेदर एंड स्ट्रेच टुगेदर. ओके सो अभी हमने बात करी, जैसे कि दो टाइप के थ्रेड्स होती हैं, नेचुरल थ्रेड्स एंड सिंथेटिक थ्रेड्स. नेचुरल थ्रेड्स ऑब्वियसली नेचुरल फाइबर्स से बनाई जाती हैं, जैसे कि सिल्क, कॉटन, वूल एक्सेट्रा. नेचुरल फाइबर थ्रेड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट आर कॉटन एंड सिल्क मेनली. कॉटन थ्रेड कम्स इन टू वेराइटीज, मर्सराइज्ड एंड नॉन मर्सराइज्ड, मीन्स केमिकली ट्रीटेड और नॉन. मर्सराइज कॉटन इज स्ट्रॉन्गर एंड हैज लशर, लशर मीन्स शाइन. सिल्क थ्रेड इज एन ऑल पर्पज थ्रेड दैट कम्बाइंस स्ट्रेंथ विद इलास्टिसिटी, बट इट इज नॉट ईजिली अवेलेबल इन इंडिया इन स्मॉल स्पूल्स. मीन अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होती है सिल्क की थ्रेड. इट इज जनरली यूज फॉर ओवरलॉक मशीन इन द इंडस्ट्री. सिंथेटिक थ्रेड्स आर यूजली मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर एंड टेरेलिन थ्रेड, मीन्स रीजनरेटेड फाइबर से भी बनती है और प्योरली केमिकल थ्रेड फाइबर से भी बनती है सिंथेटिक थ्रेड्स. दिस थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल थ्रेड और इसमें इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, विच इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट वेन स्टिचिंग निट्स और लाइक्रा, बिकॉज उनमें भी स्ट्रेच होता है. वोवन फैब्रिक से ज्यादा स्ट्रेच होता है निट्स और लाइक्रा बेस्ड फैब्रिक्स जो होते हैं. देर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन ऑन सीम्स इन एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर. जब भी आप स्पोर्ट्स वेयर की बात करते हैं या एक्टिव वेयर की बात करते हैं, जिम वेयर की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें मूवमेंट भी उतना ज्यादा होता है, तो उसमें इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा चाहिए होती है. सो यूज ऑफ दिस थ्रेड मिनिमाइजेस द चांस ऑफ ब्रोकन स्टिचिंग. अगर आप लाइक्रा बेस्ड और निट बेस्ड फैब्रिक में कॉटन थ्रेड को यूज कर लेंगे तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी, वो निट और लाइक्रा की स्ट्रेच को झेल ही नहीं पाएगी. ओके सो व्हाइल चूजिंग द सीविंग थ्रेड द मटेरियल टू बी स्टिच शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. मींस आप किस टाइप का फैब्रिक स्टिच कर रहे हो,
किस टाइप की मटेरियल को स्टिच कर रहे हो वो आपको पहले कंसिडर करना चाहिए, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग थ्रेड चूज करना चाहिए। सिंथेटिक थ्रेड इज ऑल्सो यूजफुल इन स्टिचिंग ऑफ लेदर एज इट हैज अ गुड डील ऑफ स्ट्रेच इन इट, तो सिंथेटिक थ्रेड से भी हम लोग लेदर को स्टिच कर सकते हैं। बट सिंथेटिक थ्रेड शुड नॉट बी यूज टू स्टिच कॉटन और लिनन एज थ्रेड विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड द हीट व्हेन बीइंग आयर्न, बिकॉज हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था जो सिंथेटिक थ्रेड होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो अगर आपने कॉटन फैब्रिक पे सिंथेटिक थ्रेड को मान लीजिए स्टिच कर दिया एंड आप हाई टेम्परेचर पे कॉटन को आयरन कर रहे हैं तो जो थ्रेड होगी वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी, वो थर्मोप्लास्टिक होता है क्योंकि उनका नेचर, तो वो बेसिकली बर्न हो जाएगी। जो सिंथेटिक थ्रेड अगर आप कॉटन फैब्रिक पे स्टिच करते हैं तो जब आप आयन करेंगे उसको हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज कॉटन फैब्रिक एकदम हाई टेम्परेचर पे आयन होता है, तो वो बेसिकली जो थ्रेड होगी वो बर्न हो जाएगी। वूल एंड सिल्क शुड बी स्टिच्ड ईदर विद मर्सराइज्ड कॉटन और सिल्क थ्रेड्स ओनली, बिकॉज उनमें स्ट्रेच होता है। Blended fabrics may be stitched with synthetic thread suitable to the dominant fiber in its content. For example, अगर आपका blended fabric है, means regenerated की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका blended fabric है means आपके fabric में polyester भी है और cotton भी है, yes, ऐसे fabrics भी market में आते हैं, 100% pure cotton भी आता है और पॉली कॉटन भी आता है। अगर आपने कभी टैग में पढ़ा हो 10% पॉलिएस्टर एंड 90% कॉटन, तो इस तरह के ब्लेंडेड फैब्रिक्स भी आते हैं, या ज़्यादातर 60% पॉलिएस्टर एंड 40% कॉटन। तो जो भी फैब्रिक डोमिनेंट होता है, जो भी फाइबर डोमिनेंट होता है, जैसे कि अगर 60% पॉलिएस्टर है और 40% कॉटन है तो इसका मतलब पॉलिएस्टर ज़्यादा है, पॉलिएस्टर डोमिनेंट है, तो आप थ्रेड कौन सा यूज़ करेंगे? सिंथेटिक यूज़ करेंगे, जो स्ट्रेची थ्रेड होगा या जो सिंथेटिक केमिकल वाला थ्रेड होगा आप उसको यूज करेंगे, कॉटन को नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका 60% कॉटन और 40% पॉलिएस्टर है तो आप कॉटन थ्रेड कंसिडर कर सकते हैं। थ्रेड्स वेदर नेचुरल और सिंथेटिक आर प्रोड्यूस्ड इन वेरियस थिकनेस, हायर द नंबर फाइनर इज द थ्रेड। अच्छा, नीडल में तो हमने देखा था कि जितना बड़ा नंबर होगा उतनी थिक नीडल होगी, लेकिन थ्रेड्स में थोड़ा सा ये इन्वर्स होता है कि अगर आपके थ्रेड का नंबर हाई है जैसे कि 13, 14, 15 तो वो उतना ही फाइन थ्रेड होगा, और अगर नंबर कम है जैसे कि 3, 4, 5 तो थ्रेड जो होगा वो कोर्स होगा। द थ्रेड्स आर अवेलेबल इन साइजेस 30 to 60। It is important to remember that the same thread should be used for the bobbin and top spool. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपर थ्रेडिंग के लिए नेचुरल थ्रेड यूज कर लिया एंड लोअर थ्रेडिंग के लिए आपने सिंथेटिक थ्रेड यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपर थ्रेडिंग में भी सेम थ्रेड लगाना है और लोअर थ्रेडिंग के लिए भी, बॉबिन में भी आपको सेम थ्रेड फिल करना है, इवन उनका कलर भी डिफर नहीं होना चाहिए। ओके, थ्रेड्स फॉर डेकोरेटिव स्टिचिंग। अब कुछ ऐसे थ्रेड्स भी आते हैं जो डेकोरेटिव स्टिचिंग के लिए यूज होते हैं। फॉर डेकोरेटिव स्टिचिंग सच एज सैडल स्टिचिंग एंड टॉप स्टिचिंग, अ स्पेशल थ्रेड कॉल्ड बटन होल ट्विस्ट इज यूज टू एम्फेसाइज द स्टिचिंग। मीन्स आपकी स्टिच को एम्फेसाइज करने के लिए, आपकी स्टिच को हाईलाइट करने के लिए एक प्रॉपर एक स्पेशल टाइप का थ्रेड आता है जिसको कि बटन होल ट्विस्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट एज नंबर 20x30। इट मे बी यूज ईदर इन द स्पूल और द बॉबिन विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। मीन्स अभी हमने पढ़ा था कि आपको सेम थ्रेड यूज करना है अपर और लोअर थ्रेडिंग के लिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि आप इसको ईदर भी यूज कर सकते हैं, या तो अपर थ्रेडिंग के लिए यूज कर लीजिए या लोअर थ्रेडिंग के लिए, बिकॉज ये जनरली डेकोरेटिव स्टिच के लिए यूज होता है। अ 40 साइज मर्सराइज कॉटन थ्रेड इज टू बी यूज्ड विद इट। द ऑरेंज कलर थ्रेड यूज्ड फॉर टॉप स्टिचिंग ऑन डेनिम जीन्स इज अ बटन होल ट्विस्ट थ्रेड। जो आप डेनिम जीन्स में डेकोरेटिव स्टिचिंग देखते हैं, आपकी डेनिम जीन्स के ऊपर जो लाइनिंग होती है येलो कलर की या ऑरेंज कलर की, तो वो बटन होल ट्विस्ट थ्रेड से ही बनाई जाती है। ऑलवेज चूज अ थ्रेड अ शेड और टू डार्कर देन द फैब्रिक एज इन द लॉन्ग रन। या तो आप अपने फैब्रिक का एग्जैक्ट मैच थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, या फिर बस एक शेड ऊपर या दो शेड ऊपर, उससे ज्यादा डार्क नहीं यूज करना है, अदरवाइज स्टिचिंग अगर आपकी टॉप स्टिच होगी तो वो अलग से ही दिखेगी।
बाय गुड क्वालिटी ब्रांडेड सीविंग थ्रेड इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव, मीन्स ऐसा नहीं है लग्जरी एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बट हाँ मीडियम रेंजेस में जो होती है वो अच्छा काम कर देती है, एज इट विल लास्ट लॉन्गर एंड बी कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन. ओके, बिफोर स्टार्टिंग टू सीव, अ टेस्ट ऑफ सीम स्ट्रेंथ शुड बी डन ऑन अ डबल स्क्रैप ऑफ द सेम फैब्रिक टू चेक इफ इट हैज राइट अपीयरेंस. मीन्स अगर आप कोई बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक या बहुत लो फैब्रिक भी अगर आप चीप फैब्रिक भी अगर आप सीव कर रहे हैं और आप एक बिगिनर हैं, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप सबसे पहले उसको एक डिफरेंट फैब्रिक स्वॉच पे आप उसको टेस्ट कर लें कि आपका थ्रेड टेंशन सही है, आपका थ्रेड चॉइस एकदम सही है, आपकी जो सीम है मीन्स जो आपकी स्टिच है वो इस तरह से गैदर्स नहीं फॉर्म कर रही है, अननेसेसरी गैदर्स मीन्स जिसकी जरूरत भी नहीं होती है और वो फॉर्म हो जाते हैं एंड आपकी स्टिचिंग को एक गंदा लुक देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम स्मूथ स्टिचिंग नहीं होती है. सो दिस इज नोन एज पकरिंग. अगर आपके फैब्रिक में या आपके गारमेंट में ऐसे अननेसेसरी गैदर्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो उसको पकरिंग बोलते हैं. सो पकरिंग विल मीन दैट ईदर द चॉइस ऑफ नीडल इज इनकरेक्ट और द थ्रेड इज इनकरेक्ट और देर आर टू मेनी स्टिचेस पर इंच, मीन्स आपने स्टिच लेंथ ठीक नहीं रखी है, आपने टेंशन सही से एडजस्ट नहीं किया है. आप तब तक उसको टेस्ट करके स्वॉच पे स्टिच करिए तब तक कि आपका बिल्कुल एकदम मैच नहीं हो जाता और स्टिच एकदम क्लीन नहीं हो जाता. सो अनदर टर्म यू नीड टू नो इज स्टिच पर इंच, दैट इज SPI. ये इंडस्ट्री में ये एब्रीविएशन बहुत यूज होता है, SPI, दैट मीन्स स्टिच पर इंच. आप इसी से समझ सकते हैं कि ये क्या चीज होगी, स्टिच पर इंच मीन्स एक इंच में आपके कितने स्टिचेस हैं, दैट इज योर SPI. जनरली 7-13 के बीच में ही होने चाहिए. द परफेक्ट मशीन स्टिचिंग इज ईजी टू अचीव इफ यू थ्रेड द मशीन प्रॉपरली एंड यूज द करेक्ट नील. आपकी एकदम परफेक्ट स्टिचिंग आएगी अगर आपने मशीन में थ्रेड प्रॉपरली लगाई है, मीन्स उसको सेटिंग अच्छे से किया है, उसका थ्रेड टेंशन एंड फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी आपने करेक्ट थ्रेड यूज किया है एंड आप करेक्ट नीडल यूज कर रहे हैं तो आपकी स्टिचिंग एकदम स्मूथ और क्लीन आएगी. द करेक्ट स्टिच डिपेंड्स ऑन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ प्रेशर ऑन द फैब्रिक, कि आप फैब्रिक पे कितना प्रेशर दे रहे हैं. द करेक्ट SPI और स्टिच पर इंच गिव्स अ सीम दैट इज नीदर टू टाइट और नीदर टू लूज. मीन्स आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्टिच एकदम टाइट हो रही है या एकदम लूज हो रही है. सो आपको वो चीज थ्रेड टेंशन के थ्रू बेसिकली एडजस्ट करनी होती है. सो हियर आर सम सेफ्टी रूल्स. फैशन स्टडीज की बुक में काफी सारे सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं बट जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही वाले सेफ्टी रूल्स रेकमेंड करती हूँ याद करना जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं. सो लेट्स रीड देम वंस. ऑलवेज इंस्पेक्ट द मशीन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क. सबसे पहले आप अपनी मशीन को इंस्पेक्ट कीजिए अच्छे से, देखिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे. बी श्योर इट इज क्लीन एंड थ्रेडेड करेक्टली. आपकी मशीन एकदम क्लीन है बिकॉज अगर आपकी आपका मशीन का जो फ्लैट बेड है वो भी अगर गंदा होगा तो आपका फैब्रिक भी ऑब्वियसली डर्टी हो जाएगा. सो आपकी थ्रेड भी करेक्ट होनी चाहिए, अपर थ्रेडिंग लोअर थ्रेडिंग विद नो लूज थ्रेड्स ऑन द पुली बेल्ट एंड ऑल गार्ड्स इन प्लेस. ऐसी किसी जगह पर थ्रेड फंसा ना हो जहां से आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. ऑपरेट मशीन्स ओनली विद परमिशन. अपने आप जाके मशीन को नहीं ऑपरेट करना है, यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम योर टीचर. रिपोर्ट एनी इंजरीज और एक्सीडेंट्स इमीडिएटली टू द टीचर. अनप्लग द मशीन एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना काम करने के बाद मशीन को ऑफ करना भूल जाते हैं बट दिस शुड बी डन, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ वेरी वेरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डू नॉट रिमूव एनी सेफ्टी डिवाइसेज फ्रॉम द मशीन. मशीन में से कोई भी पार्ट उठा के कहीं पे भी नहीं रख देना है, कोई भी सेफ्टी डिवाइस आपको मशीन में से नहीं निकालना है. When sewing on a power machine, wear low shoes and well-fitted clothing. Heels पहन के sewing नहीं करनी है, well-fitted clothing पहननी है क्योंकि अगर आप loose clothing पहनेंगे या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कपड़ा पहनेंगे जो कि मशीन में जाके फंस सकता है तो आपको इंजरी भी हो सकती है. Avoid loose-fitting sleeves, jewelry, ties and ribbons when operating the machine. If your hair is long, tie at the back.
कीप योर फीट ऑफ द ट्रेडल व्हेन यू आर नॉट ऑपरेटिंग द मशीन, जब आप मशीन को नहीं चला रहे हैं तो फुट पेडल से अपना पैर हटा के रखना है. कीप योर फीट ऑफ द ट्रेडल व्हेन यू आर सेटिंग और थ्रेडिंग द नीडल. मैं तो रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप मशीन को ऑफ ही रखिए व्हेन यू आर थ्रेडिंग द नीडल, सॉरी व्हेन यू आर सेटिंग द थ्रेड. चाहे अपर थ्रेडिंग हो चाहे लोअर थ्रेडिंग हो, आप मशीन को ऑफ रखिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं उनको ध्यान नहीं रहता है. और अगर आपका जरा से में भी पैर अगर आपका फुट पेडल पे लग गया तो मशीन चल पड़ेगी और आपको इंजरी हो सकती है. व्हेन ऑपरेटिंग द मशीन कीप योर हैंड सीजर्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द बेल्ट, क्योंकि अगर वो उसमें उलझ गए तो मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है. नेवर टॉस और थ्रो सीजर्स और इक्विपमेंट किसी के ऊपर भी या मशीन पे भी. सीजर्स को या किसी भी चीज को फेंकना नहीं है. सीजर्स शुड बी हैंडेड टू अनदर पर्सन विद हैंडल्स टुवर्ड द पर्सन. मींस जब भी आप किसी को सीजर्स दें तो जो उसको पकड़ने के हैंडल्स होते हैं वो फेसिंग होने चाहिए जिसको कि आप दे रहे हैं सीजर्स. सो नेक्स्ट आर सम एडिशनल मटीरियल्स यूज्ड इन सीविंग. अभी तक हमने थ्रेड्स एंड नीडल्स के बारे में डिस्कस किया. अभी हम कुछ और एडिशनल मटेरियल्स भी देखेंगे जो कि सीविंग में हेल्पफुल होते हैं. सो फर्स्ट वन इज ऑल पिन. ऑल पिन आर फाइन लॉन्ग रस्ट प्रूफ पिन्स यूज्ड फॉर ड्रेपिंग अटैचिंग फैब्रिक्स टुगेदर और द पैटर्न पीसेस टुगेदर. सो बेसिकली ऑल पिन्स यूज होते हैं कि अगर आपको दो फैब्रिक्स एकदम स्लिपरी हैं, उनको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप ऑल पिन्स की हेल्प से उनको अटैच करके देन सीव कर सकते हैं. पिन कुशन, दिस इज यूज फॉर होल्डिंग पिन्स. मीन्स ये एक सॉफ्ट कुशन टाइप होता है जिसमें कि आप पिन्स को इंसर्ट करके आराम से रख सकते हैं, किसी को चुभेंगे नहीं. द नेक्स्ट वन इज मसलिन. अ प्लेन वी फैब्रिक मेड फ्रॉम ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड यार्न्स. बेसिकली ये कॉटन होता है जो एकदम रॉ कॉटन होता है, काफी रफ होता है ये, और ये बेसिकली प्रोटोटाइप बनाने में यूज होता है. मीन्स अगर आप कोई गारमेंट बना रहे हैं, सपोज आप कोई गाउन बना रहे हैं, तो गाउन स्टिच करने से पहले आप उसका एक सैंपल बनाएंगे, तो सैंपल बनाने के लिए बेसिकली ये फैब्रिक बहुत ज्यादा यूज होता है. सो द नेक्स्ट वन इज पुश पिन. ये बोर्ड पिन्स होते हैं बेसिकली, सबने अपने स्कूल्स में देखे होंगे. सो दीज आर यूज फॉर पिवटिंग और ट्रांसफरिंग पॉइंट्स एंड टू होल्ड द पैटर्न पीसेस एंड फैब्रिक्स ऑन द टेबल. ट्रेसिंग व्हील इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉल सेरेटेड नीडल पॉइंट. आप देख सकते हैं ट्रेसिंग व्हील में यहाँ पे छोटे 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 कांटे जैसे लगे हुए हैं इसकी व्हील पे, तो ये बेसिकली ट्रेसिंग के लिए यूज होता है. जब आप पैटर्न पीसेस बनाते हैं, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि पैटर्न क्या होता है, क्यों बनते हैं, आप अगर फैब्रिक पे जो प्रिंट्स होते हैं उनको पैटर्न समझ रहे हैं तो यू आर वेरी रॉन्ग. दोज आर नॉट द टेक्निकल पैटर्न्स. टेक्निकल पैटर्न्स फैशन की फील्ड में अलग होते हैं, तो उनको ट्रेस करने के लिए, उनकी मार्किंग्स को ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग व्हील यूज होता है. टेलर्स चौक, अब ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड चौक वाली नहीं है, टेलर्स चौक अलग होती है. दिस इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑन द फैब्रिक. द नेक्स्ट वन इज नॉचर. ये बेसिकली नॉचेस मार्क करने के लिए यूज होता है किनारों पे, जहां जहां आपको लगता है कि आपको पीसेस ज्वाइन करने हैं, आपको ध्यान रखने के लिए नॉचेस मार्क करने होते हैं, तो ये नॉचर इस तरह के कट्स लगा देता है बेसिकली फैब्रिक में. नेक्स्ट इज 12 और 24 इंचेस स्केल. लॉन्ग रूलर 12 इंचेस और 24 इंचेस इन मेटल और प्लास्टिक, जो कि आप बेसिकली अपनी मैथ्स क्लास में भी यूज करते हैं, सेम स्केल यूज होती है टू मार्क स्ट्रेट लाइन्स ऑन द फैब्रिक और ऑन द पैटर्न पेपर. The next is measuring tape. This is the most important tool for any designer or any tailor. So, ये basically fabric पे कोई भी measurement लेने के लिए या body पे कोई measurement लेने के लिए use होता है. Next is grading scale. अच्छा, ये आपके regular scale से थोड़ा सा different होता है. ये वैसा नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं. इसमें छोटे छोटे blocks होते हैं जिसकी मदद से आप एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट की से आप अपना पैटर्न बना सकते हैं, जिसको कि आप बाद में फैब्रिक पे ट्रेस करके और सीव कर सकते हैं. सो बेसिकली ये 18 इंचेस का होता है. एल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो यूज्ड वाइल स्टिचिंग ओनली. ये भी एक टाइप का स्केल होता है. सो इट इज यूज्ड टू स्क्वायर ऑफ कॉर्नर्स एंड एस्टेब्लिश परपेंडिकुलर लाइन्स एंड रेफरेंस पॉइंट, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन्स, रेफरेंस पॉइंट्स एंड लाइन्स.
ड्रेस फॉर्म स्टैंडर्डाइज डुप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन टॉर्सो, ये बिल्कुल ह्यूमन टॉर्सो का, ह्यूमन बॉडी का जस्ट डुप्लीकेशन होता है, एक मॉडल होता है जिसपे की आप गारमेंट को ड्रेप करके या उसके ऊपर गारमेंट पहना के आप उसका फिट चेक कर सकते हैं, एंड इवन ड्रेपिंग करके भी आप गारमेंट बना सकते हैं। सो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर मैनेक्विंस जिनपे गारमेंट्स को बेसिकली डिस्प्ले किया जाता है। एंड यहाँ पे जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, दीज आर ड्रेस फॉर्म्स, बेसिकली जो ये टर्म है, दीज आर ड्रेस फॉर्म्स जिनपे की एक मूवेबल स्टैंड होता है, ये विद लेग्स विदाउट लेग्स भी आता है, किड्स मेन वेमेन सब में सबके ह्यूमन टॉर्सो अवेलेबल होते हैं इसमें। सो बेसिकली आप इस पे ड्रेप करके और अपनी गारमेंट का फिट चेक कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज पेपर शीयर्स और सीजर्स, बेसिकली ये नॉर्मल सीजर्स होती हैं जैसे कि आप पेपर कट करते हैं। टेलर शीयर्स थोड़ी सी अलग होती हैं, इसका हैंडल भी प्लास्टिक का नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और ये आप जो जिगजैग सीजर्स देख रहे हैं उनको पिंकिंग शीयर्स भी बोला जाता है। The next one is magnet, a small object of any shape made of strong carbon alloys, steel that has a property of attracting iron and steel. It is used to pick up the metallic pins and nails. Pattern paper, basically आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, this is a technical pattern जो कि sewing में use होता है. So this is a normal white pattern paper. Basically इसको हम लोग CAD print करते time use करते हैं. White pattern paper ज़्यादातर CAD के टाइम मीन्स सॉफ्टवेयर पे जो हम लोग डिजिटल पैटर्न्स बनाते हैं उनके लिए यूज होता है। थिक ब्राउन पेपर ज्यादातर जो हम ड्रॉ करते हैं पैटर्न्स उनके लिए यूज होता है। सो दोनों ही पैटर्न्स के लिए यूज होते हैं, आप इधर ऑफ द पेपर यूज कर सकते हैं, स्लोपर और ब्लॉक। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा पैटर्न होता है जिसको कि यूज करके आप और ज्यादा पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। मीन्स ये एक बेसिक मॉडल होता है जिसको यूज करके आप दूसरे पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल क्रॉप टॉप का आपने पैटर्न बनाया और उससे आप लोग और भी ज्यादा वेरिएशंस डेवलप कर सकते हैं। सो ये बेसिकली स्लीव का होता है, बेसिक बॉडीज ब्लॉक होता है, बेसिक स्कर्ट होती है। एंड अदर टूल्स दैट आर नीडेड, पेन पेंसिल्स एंड अदर स्टेशनरी, न्यूज प्रिंट पेपर, आप उस पर भी रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, बट जनरली पैटर्न पेपर थोड़ा थिक रहता है तो अगर आप उसको कहीं उठा के रखेंगे भी तो वो जल्दी से फटेगा नहीं, बट न्यूज पेपर जो होता है वो जल्दी से टेयर हो जाता है। कार्बन पेपर, अगर आपको कुछ भी मार्किंग्स ट्रांसफर करनी है या कुछ भी चीज ट्रांसफर करनी है तो आपको कार्बन पेपर चाहिए होगा एंड ट्रांसपेरेंट टेप। ओके, अगर कहीं से भी आपका पैटर्न फट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप टेप से उसको सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस इज इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने कोई भी डाउट्स आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल बी रियली हैप्पी टू जस्ट क्लियर योर डाउट्स, सो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।